सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1। देखने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन में जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे आप घर बैठे नोटिफिकेशन पा सकें। तो फ्रेंड, आज का ये जो मैच है बेंगलोर वर्सेस कोलकाता का, इनमें से कौन से टॉप 11 प्लेयर्स होंगे, सब इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो पर मिलेगी। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहें, क्योंकि आपको ग्रैंड लीग विन करने के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, कि ग्रैंड लीग प्लेयर मिल सकते हैं कि आप पॉइंट प्रॉब्लम लेवल पे है और अदर फैंटेसी में जहाँ पॉइंट प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कौन से प्लेयर लेके जाने हैं। क्योंकि टॉप आप 9 तो चूज़ कर लोगे, लेकिन वो दो प्लेयर होंगे जो आपको ग्रैंड लीग जिताने वाले हैं, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी आप किसे दो जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे और वहाँ से आप ग्रैंड लीग विन कर सको। तो आइए चलते आज के प्रेडिक्शन की ओर। तो भाई, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल किंग ऑफ ड्रिबलियन सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको फ्री एंट्री प्रोवाइड की जाती है कि आपको किस ऐप में फ्री एंट्री मिलेगी। तो यदि आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप यहाँ से मंथली कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। आपको इस पर एवरी ग्रैंड लीग पे और हेड टू हेड की प्राइम टीम, हेड टू हेड टीम मिलती है, जहाँ पर आप 100% विनिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो जितने भी मैंने यहाँ पर टीम देती है, प्राइम टीम आपको फ्री में मिलती है फ्रेंड। तो और अब 100% विनिंग टीम प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे आप बहुत सारी अर्निंग कर। कल मेरी ये टीम थी, आप दे सकते हो, कल ये 100% विनिंग टीम रही है। यदि आपने खेला होगा विजन 11 पे, तो विजन 11 पे क्लीन स्वीप किया होगा। देखिए, ट्रेड बोल्ट, राहुल चहर, बुमराह, राशिद खान के अलावा बाकी हमारे सभी आल परफॉर्मेंस ड्रीम 11 के थे, मनीष पांड्या को छोड़ के। ठीक है, तो जो भी इस टीम से खेला होगा 100% क्लीन स्वीप किया है, मैंने यहाँ से काफ़ी अर्निंग की है। तो इसलिए मैं जो टीम देता हूँ ना, माई फेव 11, विजन 11, तो आप उसी पे लगाओ, तभी आपकी अच्छी विनिंग हो सकती है। तो आइए चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। आज का ये मैच जो है वो चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई पे है। जैसा कि आप जानते हैं, ये स्पिनर पेसर के लिए अब इक्वल माना जा रहा है। हेड टू हेड की बात करें तो केकेआर ने 14 और वहीं आरसीबी ने 12 मैचेस जीते हैं। ठीक है ना, केकेआर एक विन एक लॉस के साथ है। और प्रॉपर 11 जो हो सकते हैं इस मैच पे, शुभम गिल, नीतीश राणा, त्रिपाठी, मॉर्गन, कार्तिक, रशल, सकिलवर हसन, पेट कमिंस सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, अवरुण चक्रवर्ती। ठीक है, और रिसेंट परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं सभी के। ठीक है, इनमें से कौन से मोस्ट आज के हो सकते हैं वो आपको बता देता हूँ। शुभम गिल है, बहुत लोग इन्हें लेके गए हैं, लेकिन आप इन्हें मत लेके जाइएगा। ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में आप ले सकते हो, क्योंकि जो ये जो हेड टू हेड के पिछले साल के परफॉर्मेंस, जो हेड टू हेड आप देखे होंगे, तो वो पिछले साल या उसके पहले के हैं। लेकिन रिसेंट पे जो परफॉर्मेंस हेड टू हेड की पिछले साल ख़राब थी, लेकिन उनकी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो रिस्की टीम में आप इन्हें पिक करिएगा। नीतीश राणा को आप ड्रॉप करके रिस्की टीम में आप शुभम गिल को पिक कर सकते हैं, जो हेड टू हेड के लिए आप तो नीतीश राणा है, राहुल त्रिपाठी है। हेड टू हेड पे देखिए, 53 की एवरेज से रन मारे हैं, फर्स्ट मैच में भी बहुत अच्छा खेले थे। रशल भी है, 48 के एवरेज से रन मारे, साथ ही साथ विकेट लिए हैं पिछले मैच पे, 5 विकेट लिए अपने 2 ओवर पे, तो बहुत अच्छा है। सकुलर हसन का भी एवरेज सही है, हेड टू हेड में 30 के एवरेज के करीब है। नारिन यदि खेलते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए, हसन या नारिन पे कोई भी एक खेलता है तो आप इन्हें लेके जाइएगा, बहुत अच्छा है। आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हो। पेट कमिंस का भी रिकॉर्ड अच्छा है, 6 मैच पे 7 विकेट। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आप ड्रॉप ही करके रखिए। हरभजन सिंह है, अच्छे ऑप्शन है, लेकिन इन्हें फुल ओवर, एक ओवर पहले मैच पे, सेकंड मैच पे 2 ओवर करने को मिले था, तो आप मत लेके जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा का वही हाल है, आप ग्रैंड लीग की रिस्की टीम में ले सकते हो, क्योंकि 4 इनिंग में सिर्फ 1 विकेट लेके गए हैं, बाकी पे नहीं ले पाए। ठीक है, बाकी आप सबके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बाकी ये खेलते हुए नज़र नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब वहीं आ जाती है आरसीबी से, तो आरसीबी में विराट कोहली, पंडिकल हैं, सहवाग, अहमद, ग्लेन मैक्सवेल, एवी डिविलियर्स, क्रिश्चियन सुंदर, जमीशन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल। तो इनमें से कौन से टॉप 11 प्लेयर्स होंगे? विराट कोहली जो है अपने दोनों मैचेस पे 33-33, सुंदर हैं, फिर पंडिकल हैं, पट्टीदार है, पहले मैच खेले थे फिर ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर मैक्सवेल, डिविलियर्स, एस अहमद, क्रिश्चियन, सिराज, जमीशन,
चहल और हर्षल पटेल हैं, बहुत अच्छी फॉर्म पे भी हैं और अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड विराट कोहली का देख ले, इनमें से जो बैटिंग के लिए अच्छे होंगे एवी डिविलियर्स हैं, विराट कोहली हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 28 के एवरेज से और 8 इनिंग पे 8-4 विकेट भी लिया है। यहाँ पे पंडिकल जो है एवरेज आएंगे 28, लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड में पहला ही मैच पिछला मैच खेला था, 11 रन पे आउट हो गए। वहाँ पे सुंदर जो है वो बॉलिंग से अच्छा है, परफॉर्मेंस किए हुए हैं, तो आप इन्हें लेके जा सकते हो। सफर अहमद जरूर पिछले मैच पे अच्छी विकेट बॉलिंग की है, लेकिन हेड टू हेड युजवेंद्र चहल का जो है हेड टू हेड 15 इनिंग पे 14 विकेट, जहाँ पे आपको पॉइंट प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, आप उस पर ले सकते हो। बाकी आप ड्रॉप कर दीजिएगा युजवेंद्र चहल का है, जो सेकंड इनिंग पे यदि बेंगलोर बॉलिंग करेगी तभी इन्हें लेके चलिएगा, फर्स्ट इनिंग में आप इन्हें ड्रॉप करके रखिएगा। हर्षल पटेल हैं हेड टू हेड में 3 इनिंग पे 6 विकेट, और वेन्यू पे देखा जाए तो 3 इनिंग पे 9 विकेट। ये ग्रैंड लीग में कैप्टनसी पिक रहेंगे, तो आप कैप्टन या वाइस कैप्टनसी जरूर दीजिएगा। उसी तरह आपके फिर नीचे आ जाएंगे डेनियल सैम, आज स्क्वायर पे ऐड हो चुके हैं, शायद ही मैच खेलते हुए नज़र आए, ठीक है। यदि खेलेंगे तो मत लेके जाएगा, ठीक है। फिर आपको आ जाते हैं यहाँ पे कौन से प्लेयर हैं, यहाँ पे मोहम्मद सिराज जो हैं 6 इनिंग पे 8 विकेट, वेन्यू रिकॉर्ड भी जो है 3 पे 3 लेके गए हैं। अब दोनों टीमों के प्लेयर बैटल की बात कर लेते हैं, विराट कोहली है, सुनील नारायण, हरभजन सिंह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी उसके अलावा यहाँ पे एंडर रसल भी हैं, लेकिन बाकी नहीं मिलने वाला। युजवेंद्र चहल हैं जो सुंदर हैं, चहल सुंदर, सिराज, हर्षल पटेल सुंदर, चहल जंपा सुंदर, तो आप इन्हें जरूर पिक करिएगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब शॉर्ट वीडियो बना के रखा हूँ इसलिए मैं आपको वीडियो, जो ग्रैंड लीग की टीम जो रखिएगा, आपको बता दूँ वो ग्रैंड लीग की टीम आप यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। ग्रैंड लीग आप यदि खेलना चाहते हैं तो आप MPL में खेलें, क्योंकि वहाँ पे जीतना बहुत ही सरल है और वहाँ पे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एवी डिविलियर्स को लिया है मैंने, आप चाहो तो सुंदर की जगह आप दिनेश कार्तिक के साथ भी जा सकते हो, जैसा कि 3 बेस्ट यहाँ पे बॉलर को लिया है, आप यही टीम रहने वाली है। यहाँ पे नीतीश राणा को कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी राहुल त्रिपाठी को लिया हूँ। आप सुनील नारायण, सर्कुलर हसन की जगह आप चाहो तो रिस्की टीम, जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो आप यहाँ से शुभम गिल के साथ जा सकते हो, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आप दे सकते हो, रिस्की टीम बता रहा हूँ वो, ठीक है। ठीक है, तो सेकंड टीम जो रहेगी, राहुल का एवरेज देखोगे 53 का एवरेज है हेड टू हेड पे। उसके बाद मैंने ग्रैंड मैक्सवेल को बनाया, आप चाहो तो नीतीश राणा या एवी डिविलियर्स या विराट कोहली के साथ जा सकते हो। सकुल और हसन की जगह आप चाहो तो यदि सेकंड पारी में बॉलिंग करने आएगी टीम हमारी बेंगलोर की, तो आप उनकी जगह युजवेंद्र चहल के साथ जा सकते हो, सकुलर हसन की जगह, तो ये चेंजेस आप कर सकते हो। सुंदर की जगह आप चाहो तो आप यहाँ पे दिनेश कार्तिक के साथ जा सकते हो, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस दोनों मैच पे फ्लॉप रहे हैं, लेकिन आज का मैच हेड टू हेड रिकॉर्ड भी जो है बहुत ही ठीक ठाक है, 29 के एवरेज से रन मारे तो एक अच्छे बन सकते हैं। जो थर्ड मेरी टीम रहेगी ग्रैंड लीग की, मैंने यहाँ पे कैप्टनसी विराट कोहली को, वाइस कैप्टनसी हर्षल पटेल को दिया है, आप चाहो तो इन्हें आप अपोजिट भी कर सकते हो। एक टीम जो रहने वाली है मेरी, ये टीम रहेगी दिनेश कार्तिक को, कैप्टन एवी डिविलियर्स, वाइस कैप्टन नीतीश राणा को लिया है, सकुलर हसन को लिया है, बाकी ये टीमें रहेंगी, तो ये मेरी सेफ टीम रहने वाली है। कैप्टनसी वाइस एंडर रसल को, वाइस कैप्टनसी मैंने विराट कोहली को लिया है, आप चाहो तो आप इनकी जगह किसी अन्य प्लेयर को साथ जा सकते हो। देवदत्त पंडिकल जो है रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनके साथ नहीं गया, लेकिन जानते हो जैसा कि अभी टीम जितने भी मैचेस हुए हैं, जो भी पिछले साल के हेड टू हेड मुकाबले या उसके पहले फ्लॉप हुए थे वो इस साल चमके हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जो जितने एवरेज प्लेयर जो आपको 30+ के एवरेज से हैं, तो आप उन्हें ड्रॉप करके आप उन प्लेयर को रिस्की टीम पर लीजिएगा और उन्हें कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी रखिएगा, जिससे आप थोड़ी रिस्क ले सको और ग्रैंड लीग विन कर सको। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड, और यदि आपको प्राइम टीम फ्री में चाहिए तो प्राइम टीम फ्री के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को कम से कम 5 लोगों को आपको शेयर करना होगा और वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक फ्रेंड, गुड लक।